आज आप अंदर नहीं जा सकते। ये तो आपने कल भी कहा था। कल और आज में बहुत फर्क है सर। वो तो मैं देख रहा हूं। आप हमें समझने की कोशिश कीजिए सर। आप जैसे डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज हमारे स्ट्राइक की परवाह ही नहीं करेंगे। हम आज किसी डॉक्टर को ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने देंगे सर। ये आज हमने कसम खाई है। कसम? कसम तो आप लोगों ने MBBS की डिग्री लेते वक्त भी खाई थी। मानवता पर परोपकार करने की कसम, सियासत और मजहब के दायरों से ऊपर उठकर अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देने की कसम, हर कीमत पर अपने मरीज की जिंदगी की हिफाजत करने की कसम। अगर वो तमाम कसमें टूट सकती हैं तो ये कसम क्यों नहीं टूट सकती? क्या मैं पूछ सकता हूं उन मरीजों का क्या कसूर है जो आप लोगों की हड़ताल की बदौलत जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहे? पर सर हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ मांगे हैं। अपनी मांगे मनवाने के तरीके बदलिए। आप लोग डॉक्टर्स हैं, कोई मिल मजदूर नहीं। डॉक्टर्स और स्ट्राइक, ये क्या बहुदापन है? ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपनी मांगे मनवाने का जुनून एक गैर इंसानी हरकत है। ये हमारे प्रोफेशन की तौहीन है। सर, एक इमरजेंसी केस है, डॉक्टर चोपड़ा उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, प्लीज जल्दी चलिए। एक्सरे के मुताबिक गोली पीठ में से घुसकर हार्ट के राइट साइड में अटक गई है, सीरियस केस है, संभालना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। ओके सर। पुलिस के लिए इस इंस्पेक्टर का बचना बहुत जरूरी है डॉक्टर। देखिए डॉक्टर के लिए हर पेशेंट का बचना बहुत जरूरी है। यू जस्ट रिलैक्स प्लीज। डॉक्टर शर्मा जी, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं चेंज करके आता हूं। ओके डॉक्टर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस मैडम, हु आर यू? दीपिका। कौन दीपिका? दीपिका श्रीवास्तव। व्हाई यू डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ हॉस्पिटल? आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम द डेली टाइम्स। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, कुड यू प्लीज टेल मी उस इंस्पेक्टर को कितनी गोलियां लगी हैं, केस कैसा है, आई मीन इसके बचने के चांसेस क्या है, गोली किसने मारी और क्यों? माय डियर जर्नलिस्ट, ऑपरेशन के बाद पेशेंट से खुद पूछ लीजिएगा। ओके? यानी कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट बचेगा ही? क्या कॉन्फिडेंस है। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपके लिए 2 लाख का तोहफा। कौन? वो इंस्पेक्टर जिसका आप अभी ऑपरेशन करने वाले हैं। देखिए आप लोग परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ठीक हो जाए। नहीं डॉक्टर, वो ठीक नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप उसे ऑपरेशन टेबल पर ही खत्म कर दीजिए। देखिए मिस्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा काम जिंदगी लेना नहीं जिंदगी देना है। डॉक्टर साहब, लेन देन के मामले में हम भी बिल्कुल साफ हैं। ये बैग है जिसके अंदर 2 लाख रुपया है, और ये पिस्तौल है। वो इंस्पेक्टर हमारे गैंग के सारे राज जान चुका है, उसका बचना हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि आपको ये बैग चाहिए या फिर। बैग दे दीजिए। डॉक्टर साहब, वो आदमी कौन था, क्या चाहता था आपसे? क्या वो आपको रिश्वत दे रहा था? मगर क्यों? और अगर वो आपको रिश्वत नहीं दे रहा था तो आपने उसके पैसे लेने से इनकार क्यों किया? 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है डॉक्टर। हाँ होती है मैडम, मगर इन हाथ में पड़कर नहीं। एक सर्जन के हाथ है जो 200 रुपए ईमानदारी का कमाएंगे, मगर 2 करोड़ रिश्वत का नहीं। एक्सक्यूज मी। स्माइल प्लीज। अभी तक आप गई नहीं। कामयाबी की मुस्कुराहट अपने कैमरे में बंद करना चाहती थी। वैसे मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर बच गया है, लेकिन एक कामयाब ऑपरेशन करने वाले के बारे में कुछ और जानना चाहती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। प्लीज सॉरी डॉक्टर, जर्नलिज्म मेरी हॉबी है, और मैं अपने न्यूज़पेपर के लिए आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। माफी चाहता हूँ, वो मेरा फर्ज था, इंटरव्यू के लिए किसी और को चुनिए। डॉक्टर साहब सीपी तो बहुत मिल जाती है, लेकिन हर सीपी में मोती नहीं मिलता। शुक्रिया। क्या है कि हर आदमी को तारीफ सुनने का शौक होता है, खासकर एक खूबसूरत लड़की के मुंह से। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कांट हेल्प यू। डॉक्टर कोई बात नहीं बाबई, देखती हूँ कब तक नहीं देता। हमें भी रंग दीजिए अपने रंग में।
आपको किसने खबर दी कि मैं यहाँ हूँ? हम जर्नलिस्ट हैं साहब, हर आदमी हर जगह हर दिल की खबर रखते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ हवाखोरी के लिए आई हैं? जी नहीं, मैं आपको किडनैप करने के लिए आई हूँ। अच्छा, आप रोज लोगों का दिल चीरते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपका ऑपरेशन कर ही दूं, वो भी चाकू छुरी के बगैर। देखिए जर्नलिस्ट साहिबा, ऑपरेशन तो उसका किया जाता है जिसके कोई तकलीफ हो या कोई दर्द हो। यहाँ कोई बात नहीं, दर्द भी हम दे देंगे और दवा भी। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको ये खुला महल पसंद है या? देखिए, बकरे को जब गर्दन ही कटवानी है तो खुले में हो या बूचड़खाने में, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप तलवार निकालिए। थैंक्स। कर दीजिए सेवा। कोई बात नहीं बाबाई, मैं भी देखती हूँ तुम कितना भागते हो। हाय डॉक्टर, घबराइए मत, नो इंटरव्यू। गॉड ब्लेस यू। मैंने फैसला कर लिया है, हाथ से जर्नलिज्म बंद। इट इज वेरी गुड। और प्यार की हॉबी शुरू। दैट्स वेरी बैड मैडम। क्यों बाबाई? व्हाट डू यू मीन बाय बाबाई? बाबाई का मतलब प्यार की डिक्शनरी में डार्लिंग होता है। लीव मी प्लीज। Yeah.
मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर वो पुलिस वाला बच गया तुम नहीं बचोगे। तुम्हारी उस बेवकूफी की वजह से मेरे सारे आदमी बंद हो गए, मेरा लाखों का नुकसान हो गया। बहुत दिनों से पुलिस को तलाश थी तुम्हारी, चलो। ये जेल की सलाह है, मुझे सारी जिंदगी नहीं रोक सकती डॉक्टर। मैं वापस आऊंगा और अपना हिसाब बराबर करूंगा। चलो साले। तुम ठीक हो ना? हाँ। शरद। अच्छा हो तुम आ गए, मैं तुम्हें एयरपोर्ट फोन करने वाला था। क्यों? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। कल तो तुमने बताया नहीं। बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया, स्टूडेंट जाने वाले थे, उन्हें कुछ काम पड़ गया इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। कितने दिनों के लिए? तीन चार दिन। चल रहा है कि नहीं चल रहा है सब? हाँ, एक मिनट भाई। हा? अच्छा मैं चलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ओके बाय। तुम टैक्सी जा रहे हो? ओ नो, बहुत बेवकूफ आदमी हो। ले भाई तू जा। थैंक यू। देखो क्या हाकिश करूंगा मैं। सुनो सुनो सुनो, देखो गुस्सा मत करो प्लीज। समझ में नहीं आता तुम्हारे लिए इतना प्यार इस दिल में कहां से उमड़ आया है। दिन तो हर काम में कट जाता है मगर रातें तुम्हारी यादों के दिए बनकर चलती रहती हैं। अब तुमसे दूर रहना ऐसे लगता है जैसे कोई सजा काटना हो। ये दूरी कब खत्म होगी? तुम्हारा शरद। I love you, शरद। नमस्ते भाई, आ जा भाई एलची के लिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये लीजिए आपके पैसे। कैसे हो? ठीक हूँ दीदी। नक्को दीदी, आज पैसा इच नहीं। झूठ में मुंडी मत हिला वरना गर्दन लट्टू के माफिक घुमा के रख दूंगी। उठ, उठता है कि नहीं? अच्छा, रात के दारू पीने के वास्ते गाहक मिल जाते हैं, अपन का उधार चुकाने के वास्ते नक्को। हाँ प्योड़ा। इलची के लिए पांच रुपए दर्जन, इलची के लिए पांच रुपए दर्जन, इलची के लिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये लो अपने पैसे, 20 रुपए। सुना तेरी माँ बीमार है? हाँ दीदी। ये रख रख, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मेरे पैसों का फिक्र नहीं करना। और सुनो, और जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना। हाँ। अरे दीदी, तुमने खुद अपने पैसों से तो हमें ये माल खरीद के दिया है, अब और कितना एहसान करोगी बहन? बस बस, ज्यादा बोलने का नहीं। तुम लोग पैसा तो वापस कर रहे हो ना, तो इसमें एहसान कैसा? तुम्हारे पास पैसे आ जाए तुम भी किसी की मदद कर देना। अरे दीदी, भगवान हमें इस काबिल तो बनाए। क्या हाल है वेंकट? अरे अरे, नवाब के पोते, कुछ होश है क्या? ये पकड़ो।
कितनी बार तेरे को बोला है अपन के फुटपाथ पर हाथ मत मारा कर, चल निकल निकल साला। ट्रक के नीचे आ जाती तो गुंडे बदमाशों की तरह सड़क पर लड़ती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को दादा समझती हो क्या? मैं तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या? मैंने तुमसे कहा था ट्रक के नीचे आओ। थैंक यू। तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी? शायद दिल पे लगी है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ये तुम्हारा नाम बड़ा अजीब है। वो क्या हुआ, मैं बचपन में अपने माँ बाप के साथ फुटपाथ पर सोई हुई थी कि एक लॉरी चढ़ाई, माँ बाप वहीं के वहीं खलास, मैं बच गई। ये सुनते ही बस्ती में सनसनी फैल गई और मेरा नाम सनसनी पड़ गया। तो इसीलिए आज तुम लॉरी को अपने गले से लगा रही थी? आज अगर तुम ना होते तो मौत मुझे जरूर गले लगा लेती। सनसनी सनसनी मैया हूँ। नसीबदार, ये क्या है? झाड़ पे झींगा, दरिया में खसखस। अरे सुबह तू बोली थी ना आज रात को शर्मा जी की पोटी की शादी करवाना है ना, झंडा झंडी कुंडा कुंडी सब तैयार करके लेके आया हूँ ना, धूमधाम। पर ये सब क्यों? ये पंडित दूल्हा दुल्हन को बांधता, मैं इसको बांध डाला। अरे मैं इसको बोला गरीब की शादी है, चल। बोला नहीं बंगले में जाना, मैं बोला पहले जंगले में आना फिर बंगले में जाना। ये कौन है? मैं। आज इन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ था? कुछ खास नहीं, सब ठीक है। तुम लोग शादी में चलो, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे बाबूजी, यहाँ तक आए हो तो हम गरीबों की शादी भी देख लो। हाँ सरकार, नॉवेल्टी रहेंगी, गरीबों की शादी देखने को कहाँ मिलती, आप अमीरों को आओ, हमारी इज्जत बढ़ जाएंगी ना। चल पंडित चल, आओ सनसनी तैयार हो। अरे ये तुम्हारी भांजी किसके साथ जा रही है? किसकी भांजी, कैसी भांजी? अरे इसका रिश्ता तो हमसे उसी दिन टूट गया था जिस दिन इसके माँ बाप मरे थे। दीदी दीदी, वो शादी नहीं होने दे रहे। कौन? चाचा ज्ञानचंद। आओ चलो। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। बंद करो ये शादी, हम ये शादी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? आप कौन होते हमारी शादी रोकने वाले? कौन होता हूँ मैं ये बताऊँ? नहीं ज्ञानचंद जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, शादी में विघ्न मत डालिए। विघ्न तो तुम खुद डाल रहे हो, लोगों में तो बड़े बड़े व्याख्यान देते हो और खुद ब्राह्मण होकर अपनी बेटी की शादी एक हरिजन लड़के के साथ कर रहे हो। तो क्या बुरा कर रहे हैं, नाम के ज्ञानचंद और बातें अज्ञानियों जैसी। जानते हैं हरि भगवान का नाम है? तो हरि के जन कौन हुए? हमारी तरह भगवान के ही आदमी हुए ना, तो उनमें और हमें क्या फर्क है? फर्क है, हम ब्राह्मण हैं, हमारी जात सबसे ऊंची है। भगवान ने जाते नहीं इंसान बनाए हैं पंडित जी, और इंसान इंसान में फर्क करना भगवान का इरादा है। औरों को नफरत से देखना खुद पर बड़ा सितम है, जबकि प्यार करने के लिए भी सारा जीवन कम है। सुना तुमने? इसलिए प्यार करो प्यार करो प्यार करो, जब तक दम में दम रहे। Thank you.
सबने प्यार किया है, जीवन अपना अर्पण करके प्यार का सबक दिया है। उसको मिल जाए, कोशिश करते रहो न जाने कब किस्मत खुल जाए। तन की प्यास नहीं है, प्यार है मन का उजाला, प्यार को कुछ भी नहीं चाहिए, माला या वरमाला। प्यार तो तन की प्यास नहीं है, प्यार है मन का उजाला, प्यार तो तन की प्यास नहीं है, प्यार है मन का उजाला, प्यार को कुछ भी नहीं चाहिए, माला या वरमाला। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, जब तक दम में दम रहे। यार का अपने दीदार करो, जब तक दम में दम रहे। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, जब तक दम में दम रहे। प्यार करो, प्यार करो, बहुत अच्छी। क्या है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसें आगे भविष्य में बहुत काम आती हैं। तो तुम भविष्य के बारे में भी सोचते हो? सोचता तो नहीं था, लेकिन अब सोचने लगा हूं। सुनो, तुम मुझसे शादी करोगे? पागल हुई हो क्या? मेरी नाक टूट जाती तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते। इतनी सी बात के लिए मुझे इतने दिन तरसाया। वो क्या है कि जो चीज तरसा तरसा कर मिले उसे पाने का मजा ही कुछ और है।
बताओ तो सही, ये किसका घर है? आदावर सिंह। आदावर सिंह भाईजन घर पर है? जी हाँ, तशरीफ लाइए। तुम्हें अपना कर ले। न मिले तुम्हें अपना कर ले। हमारे यहाँ छुट्टी के दिन भी तुम्हें तकलीफ होनी थी। हाँ, दीपिका। दीपिका? हाँ, हाँ? हाँ? हम तो बच्चों के डॉक्टर हैं। एक मिनट, इधर आओ। शरद बैठो। भाईजान चुप रहो, बैठो। बबल गम निकालो। जबान दिखाओ। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जबान हिलाओ नहीं, जबान दिखाओ। जबान दिखाओ। आंखें दिखाओ। चलो आंखें दिखाओ। बोलो भाई, लड़की हमें पसंद है। यू मीन डन? अरे डन डना डन डन। अरे भाई, जिसकी जबान पर तुम्हारा नाम हो, जिसकी आंखों में तुम ही समाये हुए हो, और जिसकी नब्ज की हर धड़कन में तुम ही तुम हो, इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहां से मिल सकती है? शादी कब कर रहे हो? जब आप इनके पापा से जाके बात करेंगे। मैं? जी। भाई, बात करनी घर हमें आती तो एक दुल्हन इस घर में भी नजर आती। ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। ये रही तलवार, कूद जाओ मैदान जंग में। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्षमा करना, मैं पूजा के लिए बैठने वाला था। दीपिका ने कहा तुम आ गए हो, तो मैंने सोचा पहले तुम्हारे दर्शन कर लूं। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, सच कह रहा हूं। दीपिका ने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। डैड, मैं चाय का बंदोबस्त करके आती हूं। अच्छा, आओ बैठो। थैंक यू। तुम एक ही हॉस्पिटल में ऑपरेशंस करते हो या दूसरे हॉस्पिटल वाले भी बुलाते हैं? जी, मैं अभी इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बना, मगर एक दिन बन जरूर जाऊंगा। शाबाश, इरादा मजबूत हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। शुक्रिया। अच्छा, तुम्हारा नाम शरद? जी शरद। नहीं, मेरा मतलब था तुम्हारे पिता का नाम। जी मुझे मालूम नहीं। जी जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अनाथालय में पलकर बड़ा हुआ हूं। तुम्हें तुम्हारी जात का नहीं पता? अपने पिता का नहीं पता कौन है? जी नहीं। अच्छा, तुम लोग चाय पी लो, मैं पूजा खत्म करके आता हूं। क्या हुआ? तुम्हारे डैडी को मेरे पिता का नाम चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। मैं चलता हूं। शरद, शरद। तू क्या चाहती है दीपू? मैं अपने वंश की मर्यादा तोड़ दूं, अपने पूर्वजों का कमाया हुआ नाम और इज्जत मिट्टी में मिला दूं, अपने समाज अपनी बिरादरी को छोड़ दूं, कोई पूछेगा? एक बात बताइए डैडी, आपको अपनी बेटी प्यारी है या मिलने जुलने वाले? मैं तुम्हारी शादी उस आदमी के साथ कैसे कर सकता हूँ जिसकी कोई जात नहीं, कोई वंश का नाम नहीं? मैं सब कुछ कर सकता हूँ बेटी, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। आपका धर्म बहुत सीमित है डैडी, बहुत छोटा है, जो सिर्फ एक ही जात में अटका हुआ है। मेरा धर्म सारी दुनिया का धर्म है, मानवता का धर्म है, जिसकी एक ही जात है पापा, प्यार। आप ना भी माने तो भी मैं शरद से ही शादी करूंगी। आओ दीपिका। मैं जरा पापा को फोन कर लूं। हाँ हेलो। हेलो पापा। हाँ दीपू। पापा, मैं और शरद इस वक्त रजिस्ट्रार के सामने शादी कर रहे हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही तो मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं दीपू, कोई रिश्ता नहीं।
दीपिका। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। और इस नए घर की भी। ये घर तो हॉस्पिटल की तरफ से अलॉट किया गया है। तो क्या हुआ, घर तो घर ही होता है ना डार्लिंग। मगर घर वाले, घर वाली वाले और तेरे साथ असली सालगिरह मनाने वाले कहाँ हैं? अभी अभी अस्पताल से फोन आया था, वो एक इमरजेंसी ऑपरेशन में बिजी है, आने में देर हो जाएगी। हाय, इतनी देर तक मैं अपनी नजरें किस पर टिकाऊं? जूस पी ले। मुबारक बेटे, मुबारक। बेटे, इस खुशी के मौके पर एक खुशखबरी और लाया हूँ। क्या? शरद की तरक्की हो गई है, उसे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सर्जरी बना दिया गया है। बहुत बहुत बधाई शरद के लिए, तुम बहुत लकी हो। लकी तो मैं हूँ आंटी, जिसे शरद जैसा जीवन साथी मिला। मुबारक, जीवन का साथ मुबारक, दिल के जज्बात मुबारक, आज की ये रात मुबारक। थैंक यू भाईजान। डॉक्टर चोपड़ा, हेलो, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, ठीक हूँ। दूल्हे मियां कहाँ हैं भाई? किसी का दिल सी रहे हैं। लो, वहाँ जोड़ रहे हैं और यहाँ तोड़ रहे हैं। अरे मियां की हरकत बरकरार रही मोहतरमा, तो इस घर की जनसंख्या में बरकत कैसे होगी? वेल सेड, वेल सेड। लीजिए, इस खुशी के मौके पर वो आपके साथ नहीं, और आप हंस रही हैं। वो तो हमेशा मेरे साथ हैं। गलत गलत गलत, जुबान पे कुछ, दिल में कुछ। बिल्कुल नहीं। तो दिल से पूछो। क्या तुझ उस मोहब्बत है? बिल्कुल। तुझे उसकी जरूरत है? क्यों नहीं। वो थाम के हाथ किसी का, नब्जे गिनता होगा, धड़कन सुनता होगा, कितनी हैरत है। शिकवा न शिकायत है। ओ आई सी। दिल पर मरहम वो रखता है क्यों? हाँ, रखता है। औरों का हर गम वो कम करता है ना? करता है। फिर तुझसे दूर रह कर वो क्यों तड़पाता है तुझको, क्यों तरसाता है तुझको, कैसी चाहत है। तन्हा रातों को जाता है ना? हाँ, जाता है। कभी कभी तो पिछले पहर आता है। तो क्या?
विजिट कर ले के बहाना वो बाहर रात गुजारे और तू गिनती है तारे क्या ये शराफत है करता है एक मुझे पे मरता है अरे क्या बात कहती खुद को दिखाने आए जो सुंदर वाला आती है सीने पर वो रख देता है आला तो क्या आगे तेरे औरों का रूप रंग वो जांचे अंग अंग वो जांचे तू कैसी औरत है मैं जानती हूँ तुम ऑपरेशन में बिजी थे पार्टी कैसी रही बहुत अच्छी रिजवी भाईजान ने बहुत रौनक जमाई बहुत हंसाया उन्होंने नेचुरली तुम चेंज कर लो मैं खाना लेके आती हूँ पेशेंट को नहीं बचा पाए तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की होगी हाँ नाकामयाब कोशिश किस काम की मैं अपने हर ऑपरेशन को कामयाब देखना चाहता हूं वो भी होगा मेरे शायद का हर ऑपरेशन कामयाब होगा 100% सक्सेस एक दिन सारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा मैं जहां भी तुम्हारे साथ जाऊंगी लोग मुझ पर रश करेंगे कहेंगे ये डॉक्टर शरद की पत्नी है और जानते हो मैं क्या कहूंगी मैं कहूंगी मैं उनकी पत्नी भी हूं और प्रेमिका भी बेटी आप यहाँ क्या कर रहे हैं चलिए केक काटिए जब तक पापा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी बेटा पापा देर से आएंगे सारे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं मैंने कह दिया ना जब तक पापा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी पाई जिद नहीं करते सारे बच्चे क्या बोलेंगे कुछ भी बोलने दो यू आर रियली ग्रेट सर आपने इतना मुश्किल ऑपरेशन कितनी आसानी से कर दिया आप लोग भी करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है थैंक्स सर आपके घर से फोन आया था ओह गॉड आज मेरी बेटी का जन्मदिन है मुबारक हो सर थैंक यू कांग्रेचुलेशन सर थैंक यू सिस्टर थैंक यू मुबारक हो थैंक यू डियर आप घर जाएंगे सर ओपीडी में पेशेंट्स हैं यस सर तो फिर मैं देखने के बाद जाऊंगा नमस्कार नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते डॉक्टर साहब लेट जाओ बेटे
सांस लो जोर से, उठ के बैठो। क्या लगता है आपका? बेटा है मेरा। माँ जी, इसके दिल में छोटा सा छेद है जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? डॉक्टर साहब, मैं विधवा हूँ, एक ही तो बेटा है मेरा। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, आपने पहले ही बहुत देर कर दी। मैं तो 6 महीने से डॉक्टर मित्तर से इसका इलाज करवा रही हूँ। ये देखिए, ये चिट्ठी भी है आपके नाम। डॉक्टर, दिस इज एन इमरजेंसी केस। इमरजेंसी ऑपरेशन लिस्ट सैटरडे तक फुल है डॉक्टर। हाँ, तो आप संडे की बुकिंग करा दीजिए। ओके डॉक्टर। आप जाइए, जाकर फॉर्म भर दीजिएगा। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते बेटे। नेक्स्ट। मम्मी पापा नहीं आए? आ जाएंगे बेटे, चल तू सो जा। पापा अभी तक नहीं है। आ जाएंगे मम्मी, पापा रोज लेट आते हैं। ऐसे नहीं करते, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे साथ खेलते भी नहीं। क्या हुआ? बहुत प्यार करते हैं पापा आपको, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कहते, आ जाएंगे पापा, अभी आ जाएंगे। हाँ, सांस लो। गुड गुड। और जोर से। और वेरी गुड, वेरी गुड। तुम बिल्कुल ठीक हो। एक ग्लास पानी पिलाओ, आइए। देखो दीपिका, हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं कि ये एक सिम्प्टोमेटिक केस है। जब कभी दिमाग पर कुछ असर पड़ता है तो वो एक अलग अलग किस्म की जिस्मानी शक्ल हासिल कर लेता है, जैसे कि पेट का दर्द, खांसी, डिजीनेस वगैरह वगैरह। और मेरा ख्याल है तुम लोग इस बच्ची की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे। उसे तो किसी चीज की कमी नहीं है भाईजान। कमी है, कमी है दीपिका। तुम लोगों को उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज हावी है उसके दिमाग पर जिसके ना मिलने से उसे एक खांसी का दौरा पड़ता है। इट्स वेरी सीरियस, यू मस्ट अंडरस्टैंड, वरना बच्ची को हिस्टीरिया की बीमारी भी हो सकती है या वह पागल भी हो सकती है। चलो मम्मी घर चले, पापा घर आ गए होंगे। बाय बाय अंकल। बाय बाय बेटे। दीपिका, शरद पायल को वक्त देता है ना? हाँ देते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं इसका। दीपिका, ए दीपिका। दीपी, दीपी आज मैं बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन करके आया। क्या हुआ? शरद, मेरी पायल को बचा लो। शरद, पायल बचा लो, मेरी पायल को। क्या हुआ पायल को? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने इसे नींद की गोली दी है। मैं इसे ऋषि भाईजान के ले गई थी। उन्होंने कहा? क्या बोले? शरद, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर मुझसे पाल का दुख देखा नहीं जाता। बताओ ना क्या हुआ। पाल तुम्हें बहुत याद करती है, सारी शाम तुम्हारा इंतजार करती रहती है, रात को नींद में भी पापा पापा कहकर पुकारती रहती है।
किसी भाईजान का कहना है कि अगर उसके दिमाग पर असर पड़ता गया तो बाल पागल हो जाएगी। शरद, उसे तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, घूमना चाहती है। शरद, उसे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार। तुम्हें लगता है मैं पायल को प्यार नहीं करता? कैसे थी? डॉक्टर का प्रोफेशन कुछ ऐसा। घबराओ नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हमारी पायल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शरद, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो ऑफिस में आ जाए, आपका फोन है। मेरा फोन? पापा। पायल बेटी, मैं अभी आता हूं, मम्मी के साथ खेलो। गोमती बाई का लड़का बहुत सीरियस हो गया है, सुचरिंग नहीं हो पा रहा है डॉक्टर। एक्सक्यूज मी मैम, आप ही डॉक्टर शरद की मिसेज हैं? जी। डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आई थी और वो चले गए। आप जब भी घर जाना चाहें, मेरी कार आपको घर छोड़ आएगी। नहीं नहीं मम्मी, पापा चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। बेटा, पापा अस्पताल जरूरी काम से गए, जल्दी पायल। अरे इसकी तो तबीयत खराब होगी, जल्दी चलिए। पायल, डॉक्टर साहब, इधर मेरा बेटा मर रहा है और उधर तुम अपने बाल बच्चों के साथ मेले में घूमते हो। तुम्हारे सीने में दिल नहीं डॉक्टर साहब, कसाई हो तुम लोग, कसाई। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। व्हाट इज द पोजीशन डॉक्टर? हार्ट मसल बहुत वीक हो गए डॉक्टर, धागा पकड़ते ही ना। मैं आ प्लीज। थैंक यू। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, इंक्रीज द ब्लड फ्लो। डॉक्टर, हमारे पास ब्लड का ये आखिरी बॉटल है, हमने दूसरे हॉस्पिटल को ब्लड के लिए रिक्वेस्ट किया है मगर अभी तक। देखो, किसी डोनर से ब्लड का इंतजाम करो। डॉक्टर ठहर गए हैं डॉक्टर। Closing up. I'm in the office. Report me, please. Okay, doctor. Doctor. Blood आ गया क्या? No, sir. हमारा blood group भी B positive है। हमने सोचा शायद जरूरत पड़ेगा तो। शरद, हेलो, मैं रिजवी बोल रहा हूँ। हाँ आदाब भाईजान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। क्यों नाराज हो रहे हैं? तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ घर पर भी है। क्या हो गया? जानते हो, तुम्हारे चले जाने के बाद पायल कार्निवाल में बेहोश हो गई थी। क्या, बेहोश? हाँ, और आज उसे हिस्टेरिया का पहला दौरा पड़ा, और अगर तुम्हारी लापरवाही उसकी तरफ इसी तरह जारी रही तो उसके पागलपन की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। भाईजान,
भजन आप तो समझ मैं पूछता हूँ सारे शहर में क्या एक तुम्हें हार्ट स्पेशलिस्ट हो? अगर तुम उस पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करते तो क्या ऑपरेशन मर जाता? ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है भाईजान, लेकिन यह मत भूलो शरद कि जान बचाने वाला सिर्फ खुदा है और तुम एक डॉक्टर हो, खुदा नहीं। आप भगवान हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या आप डॉक्टर नहीं भगवान हैं। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप पांव मत छूइए प्लीज। देखिए मेरे बेटे की आपने जान बचा ली। आप मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं, भगवान नहीं हूं। तुम्हारे बेटे को बचाने वाला मैं नहीं, ये मार्गरेट हैं, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को अपना खून दिया है। तुमने एक पढ़ाए बच्चे के लिए अपना खून दिया? तुम लोग इंसान नहीं हो। तुम लोगों की तो पूजा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। प्लीज, प्लीज। लाइए। पायल कैसी है? सो रही है। दीपिका मेम साहब पायल के रूम में हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें जगाना नहीं। खाना लगा दूं? हो गई थी इसलिए मम्मी आपसे नाराज हैं। मैं वादा करती हूँ पापा, फिर मैं कभी बेहोश नहीं होंगी। मुझे माफ कर देना पापा। किसे धोखा दे रहे शरद? क्या यही प्यार रह गया तुम्हारे दिल में पायल के लिए कि उसकी जगह उसकी चिट्ठियां छूऊं? दीपिका शरद प्लीज बदलो, शरद प्लीज बदलो, वरना हमारी छोटी सी दुनिया में प्लीज कैसे समझाऊं? वहां किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। मैं वहां कोई फिर क्या करूं? मैं मार डालो हमें। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। तुम जी? लेकिन डॉक्टर साहब अब मैं वो बिहारी नहीं रहा। 5 साल की जेल काटने के बाद जब मैं बाहर निकला, पुलिस ने मुझे बंबई से तड़ी पार कर दिया। मैंने बाहर जाके नए सिरे से जिंदगी शुरू की, बुरे धंधे सब छोड़ दिए डॉक्टर साहब, और खुशकिस्मती से मुझे किसी का प्यार भी मिल गया। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बदकिस्मती यह रही, इसमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरेज हैं, दूसरे सब डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी है, मगर मैं आपके पास ये उम्मीद लेकर आया हूं कि आप मेरी संध्या को जरूर बचा लेंगे। केस बहुत खराब हो चुका है, आम सरप्राइज को अभी तक जिंदा कैसे? क्या है कि दिल के अंदर 4 वॉल्व होते हैं, उनमें से 3 ने काम करना बंद कर दिया है, और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशेंट की हालत इतनी कमजोर है कि मैं फौरन उसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकता। कुछ कीजिए डॉक्टर,
प्लीज कुछ कीजिए। हम सॉरी बिहारी। आपके हाथों में इतना यश है, आपने इतने लोगों की जान बचाई है, मेरी संध्या की भी जान बचा लीजिए। हाँ। दादा, एक दिन आपके पास एक आदमी की मौत मांगने के लिए आया था और आपने उसे कहा था कि आप जिंदगी लेते नहीं जिंदगी देते हैं। डॉक्टर, आज मैं आपसे जिंदगी मांग रहा हूं, अपनी संध्या की जिंदगी। ये क्या इस तरह अंधेरा क्यों कर रखा है? पेशेंट को रोशनी से घबराहट होता है सर। कभी रोशनी से घबराहट, कभी अंधेरों से, ये सब उम्र की छेड़छाड़ है। चलो तुम पर्दा हटा, मैं देखता हूं इसे। मार्गरेट, ये क्या हॉस्पिटल में इस चेहरे को ढककर रखना अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है। भाई हैदराबाद से है ना ये पेशेंट? यस डॉक्टर। मैं हैदराबाद के साथ तो हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। वहां छोटी सी बस्ती थी जहां एक प्यारी सी शादी हुई थी। हमारी जेब कट गई थी वहां, और फिर हमारा बटुआ हमें मिल तो गया था एक लड़की की वजह से। चंचल सी, अल्लड़ सी। उस लड़की का नाम था सनसनी। सात साल बीत गए, कुछ याद है तुम्हें? कुछ लोगों को भुलाने के लिए सात जन्म भी काफी नहीं होते। मगर तुम एक जन्म में ही सनसनी से संध्या कैसे बन गई? उन लोगों ने बना दिया जो चाहते हैं कि मेरे जीवन की संध्या जल्दी आ जाए। तुम्हारी संध्या जल्दी हो जाने से उन्हें क्या मिलेगा? पैसा। इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आ गया जो तुम्हारी सांसों का मोल तोड़ होने लगा? नसीबदार याद है तुम्हें? नसीबदार? हाँ, वो जो लॉटरी की टिकटें बेचा करता था। गरीबों को अमीरी के सपने दिखाता था ना। हाँ, वही। वो मेरा भाई बना हुआ है। हर साल राखी पर वो मुझे 10 लाख की लॉटरी का टिकट दुआओं के साथ देता था। एक दिन उसकी दुआएं सुन ली गई और मैं लखपति बन गई। वो सगे संबंधी जो मेरे बाप के साये से भागते थे, अब मेरी परछाई बनकर मेरी जान को आ गए। और बिहारी प्यार की बहारें लेकर भी चला आया। बिहारी तुम्हें बहुत चाहता है। सब क्या चाहते मैं अच्छी तरह जानती हूं। सगे संबंधी चाहते हैं कि मैं शादी से पहले ही मर जाऊं ताकि मेरी जायदाद उन्हें मिल जाए, और बिहारी चाहता है कि मैं शादी के बाद मरूं ताकि उससे मेरी जायदाद मिल जाए। और तुम क्या चाहती हो? मैं जीना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि कोई भी तो नहीं जो कहे सनसनी तुम मेरे लिए जियो, सिर्फ मेरे लिए। अंधेरे हटाओगी तो उजाले खुद ब खुद सामने आएंगे। तुम मुझसे वादा करो अपने इलाज में तुम मेरा पूरा साथ दोगे। ये ना बात। मार्गरेट जी, ये हमारी बहुत ही खास पेशेंट है। जी सर। लुक आफ्टर है। सिस्टर, एक बात सच सच बताओ। पूछो। क्या डॉक्टर की शादी हो चुकी है? नहीं। तो फिर पर्दे हटाओ। साहब आप जाइए, मेम साहब कहती हैं वो बेबी को स्कूल बस में छोड़ आएंगी। अरे डॉक्टर शरद, कैसे हो यार? भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा,
तो सोचा कि अपना दोस्त इतना बड़ा सर्जन हो गया है तो उसे मिलना तो चाहिए ना। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे तुमने मित्र को नहीं पहचाना? भाई मैं तो कॉलेज की बड़ी ऊंची चीज हुआ करता था। वैसे तुम ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में ही थे ना? हाँ। हाँ, तो मैं आपसे 2 साल आगे था। 2 साल बाद मैं तो उसी क्लास में रहा और आप मेरे साथ आ गए। उसके 2 साल बाद आप तो डिग्री लेकर चले गए और मैं आपको देखता रह गया। खैर किसी ना किसी तरह मैंने भी MBBS की डिग्री हासिल कर ही ली। चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया कबूल करो। भाई किस बात का? तुमने मेरे पेशेंट गोमती भाई के बेटे का इमरजेंसी ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, तो केस आपके पास था? हाँ। ये जानते हुए कि उस बच्चे के दिल में सुराख है, तुमने उसे यहां तक? एक मिनट, मैं इसी सिलसिले में आया हूं। देखो दोस्त, हम डॉक्टर्स का एक सिंडिकेट है जिसमें मुझे छोड़कर सब स्पेशलिस्ट है। जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो पहले तो मैं जी भर कर उनके तमाम गीले और सूखे टेस्ट लेता हूं। उसके बाद बारी बारी हर स्पेशलिस्ट के पास भेज देता हूं। बदले में स्पेशलिस्ट मुझे अपनी कमीशन देते हैं। हाँ, अपना तो एक ही उसूल है, सबके भले में अपना भला। मैंने गोमती भाई से 5,000 रुपए लिए थे, ये तुम्हारे हिस्से के 2,500। आज से तुम भी हमारे सिंडिकेट के मेंबर। डॉक्टर मित्तर, तुम जानते हो गोमती बाई विधवा है, गरीब है। तो हमें गरीबों से क्या लेना, हमें तो अपनी फीस से मतलब है। आखिर डॉक्टर बनने के लिए हमने भी तो खर्च किया है। मित्र, तुमने डॉक्टरी सीखी कैसे? उसी तरह जैसे सब सीखते हैं। तुम्हें याद है जब कॉलेज में प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे तो बॉडीज को चीर चीर के हमें डॉक्टरी सिखाई जाती थी? हाँ, मैंने भी बहुत बॉडीज काटी है, याद मत दिला मुझे। वो लाशें किन की थी? मुझे क्या पता यार। मैं बताता हूं मित्र, जिन लाशों को चीर चीर कर तुम्हें डॉक्टर की डिग्री मिली है वो लाशें गरीबों की थी। उन गरीबों की जो लावारिस थे, जिन्हें उठाने वाला कोई ना था, जो फुटपाथ पर जिए और फुटपाथ पर ही मर गए और मरने के बाद भी अपनी लाशों को तुम्हारे सुपुर्द कर गए कि कुछ सीखो, बनो डॉक्टर, इंसानों की खिदमत करो, गरीबों की दुआएं लो, डॉक्टर के पेशे का सर ऊंचा करो। यू ब्लडी रास्कल, जिस डॉक्टर के हाथों लोग अपनी जिंदगी सौंप देते हैं, जिसे फरिश्ता और मसीहा का नाम देते हैं, तू उस नाम को बदनाम कर रहा है, तोहीन कर रहा है एक शरीफ और इज्जतदार पेशे की। उठा अपने गंदे हाथों से पाप की कमाई, उठा। तू पेशे का ही नहीं, इंसानियत का दुश्मन। रख ये पैसे इस मां के कदमों में। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, इस मां से मांग, जो तेरे कारण दिन रात अपने बच्चे की मौत देखती रही, अपने बच्चे की फिक्र में, जिसकी आंखों के आंसू भी सूख गए, किसी की मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाकर तुम जैसे डॉक्टर मरीजों की खाल उतारने वाले कसाई कहलाते हैं। मगर अगर कोई तेरे गुनाह बख्श सकता है तो सिर्फ ये मां। मांग माफी इनसे। गोमती भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। संभालो से संभालो। कितने हुआ भाई साहब? सिर्फ 4 रुपए। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, क्या अजब सी बात है। छुट्टा है आपके पास? नहीं भाई साहब। एक काम करो, आप 1 का नोट दो मेरे को, मैं आपको 5 का देता हूँ। ये लीजिए 1 का नोट। आओ, 1 का तो मिल गया, 5 का कहाँ से लाऊंगा। शुक्रिया। आप जरा ठहरो, मैं आता हूँ। ईश्वर करे आप यहाँ बार बार आए। भाई साहब, आपके पास 5-5 के 2 नोट हैं? 5-5 के 2? आओ, आओ जल्दी। 1 है। 1 है। चलेगा चलेगा, मैं आता हूँ। भाई साहब, ये सिर्फ 5 रुपए का नोट है और ये 50 लाख की लॉटरी है। 50 लाख की? हो, रात को मैंने सपने में देखा था, एक टकले को लॉटरी लग गई 50 लाख की। हो सकता है वो टकले साहब आप ही हो। मैं? हो, लगता है लग गई लॉटरी आपको। ए भाई साहब, 5 रुपए निकालिए। कौन से 5 रुपए? वही 5 रुपए जो मुझसे लेके तुमने ऑटो रक्षे वाले को दिए। भाई साहब,
वो 5 रुपए तो ऑटो रिक्शा वाले के साथ चले गए, मगर आपको 5 का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आपको 5 की जगह 50 लाख की लॉटरी देता हूँ। इस बीमारी को अपने पास रखो और 5 रुपए निकालो। साहब इसको आप बीमारी बोल रहे, इसमें आपकी गरीबी की बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। साहब मैंने रात को ख्वाब देखा। क्या देखा? कि एक चश्मिश को 50 लाख की लॉटरी लग गई। चश्मा भी ऐसा ही था, आप भी ऐसे ही थे, आपके मचलते हुए हाथ भी ऐसे ही थे, लॉटरी भी ऐसी ही थी, लग गई। कहो अगर नहीं लगी तो क्या फर्क पड़ेगा, झाड़ पे झींगा, दरिया में खसखस। क्या मतलब? साहब अगर झाड़ के ऊपर झींगा चल जाए तो झाड़ को क्या फर्क पड़ेगा, अगर दरिया के अंदर खसखस गिर जाए तो दरिया को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो 5 रुपए का फर्क पड़ गया। ये उल्लू तो मुझे उल्लू का पट्टा बनाकर चला गया। सनसनी, नसीबदार तू कहाँ गायब हो गया था? शिरडी गया था ना साईं बाबा के पास, तेरे लिए प्रसाद लेने के वास्ते। ले। अरे तेरा वही फटा हुआ कोट, कितनी बार कहा है 4-6 जोड़ी नए कपड़े बनवा ले, तेरे कपड़े सिलवाने से मेरे पैसे थोड़ी कम होने वाले हैं। अरे कैसी बातें कर रही, भाई बहन से पैसे लेके कपड़े सिलवाएगा, मेरे को शर्मिंदा कर रही ना। अरे मैं कोट पतलून हेड भी सिलवाऊंगा, लेकिन जिस दिन तू अच्छी हो जाएगी ना उस दिन सिलवाऊंगा। अच्छा नसीबदार, तुझे याद है 7 साल पहले हमारे शहर में एक बाबू मिला था जिसने मुझे मरने से बचाया था? हाँ। वो यहाँ का सबसे बड़ा सर्जन है वो। हाँ, और उसने कहा कि वो मुझे मरने नहीं देगा। तू जरूर जिएगी अपनी उम्र के साथ, मेरी उम्र भी जिएगी। नसीबदार अपने भाई की दुआओं पर यकीन रख, भगवान को अगर जान चाहिए होगी ना तो तेरे बदले मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं मेरे भाई नहीं। एक्सक्यूज मी, तुमको जरा बाहर बैठना पड़ेगा, पेशेंट को स्पंज देने का है ना। नसीबदार ये है मार्गरेट, और सिस्टर ये है मेरा भाई नसीबदार। नमस्ते। यू मीन तुम्हारा सगा भाई है? सगे से भी बढ़कर। सिस्टर आइए, लॉटरी का टिकट आप रखो, फ्री फ्री। फ्री का एको? आप मेरा सिस्टर का सिस्टर हो ना, जिस दिन मेरी बहन यहाँ से अच्छी होकर जाएगी ना उस दिन मैं आपको करोड़ करोड़ रुपए का लॉटरी का गड्डी की गड्डी दूंगा, वो भी फ्री। थैंक यू। आप अपना काम करो, मैं बाहर हूँ। क्या मांगता है? मांगता? अरे भिखारी समझा क्या? अरे लखपति करोड़पति बना देता हूँ, लॉटरी का टिकट खरीद लो। मुझे लॉटरी नहीं चाहिए, और मेरे पीछे मत आना समझे। तो एक काम करो, मेरे को किसी और के पीछे लगा दो, आप मेरा भला हो जाएगा। अच्छा हाँ। एक काम करो। हाँ करूँगा। जनरल वार्ड में जाओ, हाँ। वो पेटू लॉटरी जरूर खरीदेगा। पेटू बोले तो? बेड नंबर 3। बेड नंबर 3। झाड़ पे झींगा, दरिया में खसखस। कौन से? मैं नसीबदार हूँ, चाहिए? मरेगी? ओ 5 रुपये दो मिलेंगी। 5 रुपये इतना सस्ता नहीं मांगता है। 1 रुपये वाली भी है? ची 1 रुपया। ची 1 रुपया? अरे इतने सस्ते में मिल रही दौलत फिर भी नहीं ले रहे? उसका नाम दौलत नहीं माया छे। एक काम करो, आप अपने आप पसंद करो, हाथों से घसीट लो। अरे अरे लॉटरी ने टिकट छे। आपने लिए एक 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 ही चाहिए ना। एक काम करो, एम से होती ना माया, तो ये एम की सीरीज है, आप ले लो। एम फॉर माया। टिकट लाया। सरकार पूरी गड्डी एम की है, ले लो। पांच आए। झाड़ पे झींगा, दरिया में खसखस। माया।
देखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नसीब में जुदाई लिखी होती है, और एक मैं हूं जिसने जुदाई को नसीब बना लिया। मुझे अपने आप पर हैरानी हो रही है कि मैं इतना पत्थर दिल कैसे हो गया। 7 साल, मुझे माफ कर दो बेटी। माफी तो हमें मांगनी चाहिए पापा, हम आपसे छोटे हैं। मैं आपके लिए चाय बना। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो यहां, बैठ जाओ। घर तो अच्छा है, तुम अपनी पसंद पे खुश हो? बहुत ज्यादा। शरद बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, बहुत प्यार करते हैं हमें। हमें? डैडी, मैं आपको बताना भूल ही गई, हमारी एक बेटी भी है, पायल नाम है उसका। 5 साल की हो गई है, पिछले दिनों उसका जन्मदिन था। ये उसकी तस्वीर है। इसे इसे पता है इसका एक नाना भी है? इसने तुम्हें कभी कहा नहीं नाना के पास ले चलो? सॉरी डैडी। मम्मी मम्मी, पायल आ गई। कल हॉलीडे है मम्मी, कल एनुअल डे है, चलोगे ना? हाँ चलूंगी। पहले देखो तुम्हें कौन मिलने आया है। कौन है? आपके नाना जी हैं, हमारे पापा। हमारे पास आओ बेटी। जा बेटी जा। नाना जी, मम्मी आपकी बेटी है? हाँ। तब तो आप भी डॉक्टर होंगी। वो क्यों बेटी? तब भी तो आप अपनी बेटी से मिलने नहीं आते। मेरे पापा कई कई दिन मुझसे नहीं मिलते, बहुत बड़े सर्जन है ना, दिन रात काम करते। ये क्या कह रही है दीपू? वो क्या करे पापा, सरकारी नौकरी है, और वैसे भी पब्लिक अस्पताल में डॉक्टरों की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती ना। हाँ, इतने बड़े सर्जन को घर के लिए कहां से वक्त मिलेगा। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारे नाना के पास बहुत वक्त है, मैं तुम्हें रोज मिलने आया करूंगा। आप कहाँ रहते हैं? चलो अभी तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। आज नहीं, संडे को। क्यों? मम्मी मम्मी, हम संडे को नाना जी के घर जाएंगे। पापा भी साथ चलेंगे ना? हाँ जरूर चलेंगे, मैं ले आऊंगा उन्हें। थैंक यू नाना जी। आप? मैं अपनी झूठी इज्जत का गला घोट आया हूं शरद, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। जीते रहो बेटे। पापा, मैं आपका बच्चा हूं, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं यहां बैठूंगा, तुम वहां बैठो। बैठो। तुम्हारे घर गया था, दीपिका से मिला, और तुम्हारी प्यारी गुड़िया से भी। तुम्हारा पूछा तो कहने लगी, पापा तो दिन रात काम करते रहते हैं, तुम अपना प्राइवेट नर्सिंग होम क्यों नहीं खोलते, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा, तुम मुंह मांगी फीस ले सकते हो। आप ठीक कहते हैं पापा, लेकिन इस दुनिया में अमीर कम है, गरीब ज्यादा है। मैं चाहूंगा अगर मेरा अपना अस्पताल हो तो वहां हर गरीब का मुफ्त इलाज हो। तुम सिर्फ गरीबों के डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? पेशेंट तो पेशेंट है, गरीब हो या अमीर। आप इस अस्पताल को ही लीजिए, यहां एक एक पेशेंट को ऑपरेशन के लिए 3-3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, और इसी बीच अगर उसे कहीं अटैक आ गया तो जान से गया, और दूसरी तरफ वो अमीर है जो पहली फ्लाइट से अमेरिका चला जाता है और 15 दिन में ऑपरेशन कराकर वापस भी आ जाता है। ये इस देश की बदकिस्मती है पापा, यहां अमीर जिंदगी खरीद लेता है और गरीब से जिंदगी छिन जाती है।
कितना? 105। एक्सक्यूज मी पापा, मैं 5 मिनट होके आता हूँ, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो। और देखो, अगर हो सके तो वक्त निकाल कर दीपिका को लेकर घर आ जाना, मुझे बड़ी खुशी होगी। जरूर। अच्छा चलो। छिलके तेरे मुंह में डाल के। मार डाला, मार डाला बिचारी को। उस शैतान ने शादी की रात ही अपनी बीवी को मार डाला। अरे किसने? जिसे अपनी बीवी की जायदाद चाहिए होगी उसने। आरामजादे, अगर मुझे संध्या का ध्यान नहीं होता तो मैं तेरी गर्दन तोड़ फोड़ कर तेरे हाथ में पकड़ा देता। मेरी गर्दन तोड़ेगा? आड़ते झींगा दरिया में खसखस, सनसनी का ख्याल छोड़, पहले मेरी गर्दन तोड़। मैं भी कराटे का चैंपियन हूँ। नसीबदार झगड़ा नहीं। अरे मैं तो इसका रगड़ा बना के खा जाऊंगा। तेरे को भूख लगी नसीबदार? तेरे को भूख लगी है, तू खा ले। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट बोलता है पागल। सनसनी, ये फ्रूट तेरे रिश्तेदार लाए थे ना? हाँ। हो सकता है उन लोगों ने इसके अंदर जहर का इंजेक्शन मारा होगा। जहर? होने दो जहर, मैं इसे खाऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं तू काय को खाती है? बिहारी, तू सनसनी से मोहब्बत करता है ना? हाँ बिल्कुल। बिहारी तो ये सेब खा ले और अपनी मोहब्बत का सबूत दे दे कि तू सनसनी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। दे 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 दे, ले ले और दे 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 दे। खाना मत बिहारी, अगर इसमें जहर हुआ तो तुम्हें मालूम है तुम कैसे मरोगे? नहीं। एक मिनट, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जहर मिले अंगूर खाने के बाद वो 4 कदम ही चली थी। 4 कदम चल बिहारी, वो चली थी, तू भी चल। 1 2 3 4। उसका शरीर कांपने लगा, धीरे धीरे उसका चेहरा टेढ़ा होने लगा, क्या उसका गला खुश्क हो गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसने चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। आवाज नहीं निकली, गले में फंस गई, बोलती बंद हो गई। शट अप। ये क्या हो रहा है? आप लोग किससे पूछकर यहां आए? किससे पूछकर आप लोग यहां आए? आइंदा आप बॉय टेल मार्गरेट, बिना मेरी इजाजत के अंदर यहां कोई नहीं आएगा। आप लोग जा सकते हैं। वो क्या डॉक्टर साहब की? यू कैन गो मिस्टर। कैसी कैसी किताबें पढ़ती हो तुम? और क्या करती, सारा दिन अकेली, कोई बात करने वाला भी नहीं, और फिर आप भी तो दिन में एक ही। ऐसी किताबें पढ़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बॉय सारी किताबें उठा लो, अगर तुम्हें पढ़ने का शौक है तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी किताबें ला के दूंगा। गुड गर्ल। मैं तो हूँ तेरा प्यार।
मुझे मंजूर नहीं जुड़े हैं तेरे साथ कहीं मेरी सांसों के तार साजन साजन बालम बालम प्रीतम प्रीतम क्या पुकारूं तुझे आपके भी एग्जाम होने वाले हैं क्या? हाँ बेटे, पापा ने अपने एक पेशेंट को बचाना है। डॉक्टर का सबसे बड़ा वही इम्तिहान होता है। पेशेंट बहुत बीमार है क्या? इन किताबों को पढ़कर आप पेशेंट को ठीक कर देंगे क्या? कोशिश तो करेंगे। पापा, आप अपने पेशेंट का बहुत ख्याल रखते हैं। बेटे, पापा हमें भी अपना पेशेंट बना लीजिए। पल्लू, आप मम्मी पापा की जान है। चलो बेटे दूध पी लो, आपके सोने का टाइम हो गया। अच्छा मम्मी, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। क्या बोलती है आपकी ब्लड प्रेशर मशीन? बोलती है कि दिल का बोझ हल्का हो गया है और सनसनी की उम्मीदें दिन पर दिन जाग रही हैं। ये सभी पता चल जाता है इससे। देखो, आप बैठिए, मैं इससे आपके दिल की बात पूछती हूँ। मेरा दिल तो एक ही बात कहता है कि तुम अच्छे हो जाओ, बस और कुछ नहीं कहता। और कहता है कि तुम ये किताब पढ़ो। इसमें एक बीमार लड़की की कहानी है जो अपनी विल पावर से बीमारी के साथ साथ अपनी तकदीर से भी जा लड़ी और वो जीत गई। मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। Thank you.
माय लव, समझ में नहीं आता तुम्हारे लिए इतना प्यार इस दिल में कहां से आ गया है। दिन तो हर काम में कट जाता है, मगर रातें तुम्हारी यादों के दिए बनकर जलती रहती हैं। अब तुमसे दूर रहना ऐसा लगता है जैसे कोई सजा काटना हो। ये दूरी कब खत्म होगी? तुम्हारा शरद। ये 3 नंबर पेशेंट, इसको हमने बहुत बार मना किया कि बाहर की चीजें मत खाया करो, फिर भी ये खाता रहता है। क्यों भाई, बहुत खाते हो तुम? मैं कहाँ खाता हूँ। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये नहीं डॉक्टर, नहीं, 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 ये सब अखा दिन खाता रहता है और फिर कहता है कॉन्स्टिपेशन होता है। ऐसा करो, वार्ड बॉय को बोलो इसे रॉयल एनीमा दे। बीजू भाई, नसीबदार आ गया। झाड़ पे झींगा, दरिया में खसखस। अरे केम नसीबदार भाई, केम छो, आओ आओ आओ। मुबारक हो। है? लग गया? अरे टिकट लगने ही वाला था, खाली 1 नंबर से मार खा गए ना आप। बहुत खरीब आ गए हैं। लगने वाला है। अरे मेरा नाम भी नसीबदार है, नसीब के दरवाजे खोल के रख दूंगा। ये टाइम बम्बाट लेकर आया हूँ। 1 करोड़ 10 लाख, 1 टिकट 10 रुपए का, बस। एक नहीं बाबा, 5। हाँ, 5 टिकट 50 रुपए के। अरे मेरी लॉटरी लग गई ना। लेकिन गड़बड़ है बापा। क्या गड़बड़ है? हाँ, मेरा पैसा है ना, ऑफिस में जमा किया है। मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू मेरे को देगा नहीं, तू मेरे को देगा नहीं। क्या, ये नर्स है ना, मेरे को नीचे जाने को नहीं देता। मैं नर्स को बोलता हूँ। नहीं, नर्स को मत बोलो, तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो। मैं नीचे जाके 5 मिनट में तू मेरा 50 रुपया लेके आता हूँ। 5 मिनट में 50 रुपए? हाँ, एक काम करो, तुम इधर लेटो, लेटो, तुम इधर लेटो, लेटो और कंबल ओढ़ो। कंबल क्यों? नहीं, वो तो मेरे को पहचान जाएगा नहीं। छुप जाओ, छुप जाओ। अरे अरे नसीबदार, लगता है तेरी लॉटरी लग गई। लेट भी जा और थोड़ा सो भी जा। सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। बीरबल, पेशेंट नंबर 3। झाड़ पे झींगा, दरिया में खसखस। क्या? इसने मेरे 5 रुपए ठगे थे। अब मैं इसके झींगे झाड़ पर चढ़ाता हूँ। चढ़ा दो। इसके लिए मुगले आजम चाहिए। लेट जाओ। क्या फर्क पड़ता है? झाड़ पे झींगा, दरिया में खसखस। अबे ये बांस तुझे खसखस दिखाई दे रहा है? ये खसखस नहीं, फस फस है। फंसेगा तो पता चलेगा। अरे अरे छोड़ दो, छोड़ो। क्यों बच्चू, फिर बेचेगा मुझे लॉटरी का टिकट? नको नको नको। ठीक है नको। नर्स, टूटी लाओ। टूटी टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी। ये चलेगा? आओ आओ, इससे तकलीफ बहुत कम होती है। लगता है पहले भी करवा चुके हो। हाँ, बचपन में अम्मा ने दी थी एनिमा, देखने को गया था सिनेमा। हो गया हो गया हो गया। कहाँ गई? लगता है अंदर रह गई। अंदर रह गई, अंदर रह गई वो मेरी। अब कहाँ? और जो बाहर रह गई वो तेरी। अंदर रह गई वो मेरी। अंदर जो रह गई वो मेरी और जो बाहर रह गई वो तेरी। बेवकूफ, ट्यूब लगाने से पहले चेक क्यों नहीं किया कि टूटी टाइट है या नहीं? डॉक्टर, मैंने अच्छी तरह से चेक किया था, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। ठीक है, नर्स को बोलो
तीन दिन तक उसे जुलाब दे। अरे मारा बाप, कैसे हो विजू भाई? कौन? दिख भी नहीं रहा हूँ, मैं हूँ। अरे नसीबदार भाई, किरम शो। मेरा तो छो छो हो गया, तुम्हारा छो छो कैसा है? अरे हम, मेरे को तो इधर सुबह शाम जुलाब दे रहे, जुलाब दे रहे हैं। दे रहे हैं ना, कुछ ले तो नहीं रहे हैं। ये आवाज कैसी? गारड है, नटीटी है, इंजन में सीटी है। ये सीटी कैसी? जाने मन, ये तुम्हारी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? ये तुम क्या कह रहे हो? उस दिन तुमने मुझे लिटाया था ना बिस्तर पर। लेकिन तुम तो अकेले लेटे थे। तुम मानो या ना मानो, मैं तो इसको तुम्हारी निशानी समझूंगा जाने मन। नहीं नहीं, ये क्या है? ये क्या है? आज का जुलाब तो देखे हो गया ना? ये तुम्हारा एक्सरे है। एक्सरे? क्या मिला उसमें? कुछ नहीं, अब तुम्हारे पेट का ऑपरेशन होने वाला है। अरे बाप रे, लेकिन क्यों? उस दिन तुम्हें इनिमा देते वक्त तुम्हारे पेट में टूटी रह गई थी। टूटी रह गई थी, पेट में रह गई थी। अब भूख तो टूटी है। मेरा मतलब, तुमने उस दिन जो एनिमा दिया था ना, वो मुझे नहीं, इसे दिया था। सुनो, नहीं है। अब बोली, क्यों? सरकारी माल लेके भागना चाहता था? सरकारी माल है तो ले लो, मेरे पास भी सरकारी लैटरिया है, 5-5 रुपए वाली। ले लो, ले लेंगे। टूटी निकाल लो, टूटी निकाल लो, चलो निकाल दो। रिपोर्ट्स इंप्रूव कर रही हैं। अगर ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे तो 5 दिन में सनसनी का ऑपरेशन कर सकते हैं। जब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ना, तभी तो ऐसा लगता था कि उसमें जान ही नहीं है, लेकिन अब वो जीने को मांगता। जो उसका ऑपरेशन का कामयाबी के वास्ते इम्पोर्टेंट है डॉक्टर। सब तुम्हारी देखभाल की वजह से। थैंक्स डॉक्टर। एक्चुअली हम आई एम सॉरी डॉक्टर, हम आपका बारे में उसको एक झूठ बोला। कैसा झूठ? उसने हमको बस सीक्रेटली पूछा कि आपने शादी बनाया कि नहीं, और हमको मालूम है कि वो आपको बहुत लाइक करता, इसलिए हमने झूठ बोल दिया कि आपने शादी नहीं बनाया। ऐसा क्यों कहा? यू नो मार्गरेट, कभी कभी जरा सा झूठ। नहीं सर, हमको मालूम है कि इस झूठ के सहारे वो अच्छा हो जाएगा, और हम प्रॉमिस करता है कि जब वो अच्छा हो जाएगा तो हम उसको सब सच बता देंगे। यू क्रेजी, यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन। प्लीज डॉक्टर, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक इस झूठ को ऐसा चलने को दो। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरे शरद, मेरे कहने का हक मुझे तुम्हारे प्यार भरे खत से मिला। तुम हंसोगे लेकिन सच कहती हूं, मेरा दिल करता है मैं अब बहुत लंबी जिंदगी जीऊं जिसमें मेरा शरद हर वक्त मेरे साथ हो। मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शरद, शरद, मेरा शरद। कौन सा? यस, मैं पापा बोल रहा हूँ। देखो बेटे, आज शाम को मेरे यहाँ एक छोटी सी पार्टी है, दीपिका और पायल यहीं हैं, अगर तुम भी आ जाओ तो। ठीक है पापा, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार।
तुम्हें भागने के लिए किसने कहा? नहीं भागूंगी तो आपको पकड़ूंगी ऐसे। आप मुझे दो दिन से मिलने क्यों नहीं आए? सॉरी, वो क्या था कि मैं दो दिन से ऑपरेशन में बिजी था। तुम ये किताब पढ़ रही हो ना? पढ़ ली मैंने। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, आप भी एक बार और पढ़ लीजिएगा, इसमें मेरे दिल की बात है। देखो जरा आराम से। आइए आइए राय बहादुर। पढ़ाई में बहुत तेज है, अपनी नाना पे गई है। हेलो दीपिका, कंग्रेचुलेशंस। डॉक्टर साहब नहीं आए? बस अभी आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी, आइए। एक्सक्यूज मी, गाना लिखा है, याद उनको नहीं आज की रात भी। सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा गाना है। आइए आइए। हाँ हाँ, प्लीज डोंट फील शाय। भाईजान क्यों मुझे बता रहे हैं आप? आइए बैठिए 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 ना। जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया। आइए आइए। मुबारक हो। किस बात की? लो, आज आपकी शादी की सातवीं सालगिरह है, इतना भी याद नहीं मियां? याद उनको नहीं आज की रात भी, भूलना उनकी आदत ही सही। याद उनको नहीं आज की रात भी, भूलना उनकी आदत ही सही। तुम कौन है मेरे की, भूलना उनकी आदत ही सही। याद उनको नहीं आज की रात भी, भूलना उनकी आदत ही सही। Thank you.
जाए ना दो पास आकर सुनो धड़कनों की सदा रूठ कर प्यार को यूं सजाए ना दो पास आकर सुनो धड़कनों की सदा पर मेरे लिए है मेरी जिंदगी जिंदगी कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा प्यार का रंग तू अब की रात को भूलना मेरी आदत घिसगी कैसे भूलूंगा मैं अपनी बारात को भूलना मेरी आदत घिसगी प्यार का रंग तू आज की रात को भूलना मेरी आदत घिसगी। तो बंद करने दो मेरी शरद मेरे कहने का हक मुझे तुम्हारे प्यार भरे खत से मिला है तुम हंसोगे लेकिन सच कहती हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं अब बहुत लंबी जिंदगी जीऊँ जिसमें मेरा शरद हर वक्त मेरे साथ हो मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ शरद 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 मेरा शरद संध्या दीपका कहाँ जा खोलो ना प्लीज क्या हुआ कुछ नहीं पायल सोई है आप भी सो जाइए तुम कब आई अब भी आया क्या बात है आज तुम बहुत स्वीट लगता है कोई मिलने को आने वाला है क्या आज मेरा जन्मदिन है सिस्टर ओह ये मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे थैंक यू सिस्टर मेरा काम करोगी हाँ बोलो इसकी मिठाई लेकर पेशेंट्स और स्टाफ में बांट दो प्लीज ये सब है ना ये किसी और के लिए समझ गया डॉक्टर साहब के लिए है ना ये लो सॉरी डॉक्टर ने विजिटर्स लोग को एकदम मना किया है मैं कोई विजिटर नहीं उनका होने वाला हस्बैंड हूँ आप जो भी होएगा विजिटिंग आवर्स में आने का देखिए मैं शाम की फ्लाइट से बैंगलोर जा रहा हूँ फिर आज उनका बर्थडे भी है ये फूल उनको आई एम सॉरी फूल हम दे देंगे आप ऐसा करो इस कार्ड पे मैसेज लिखो Thank you. Your pen. Thanks. Happy birthday, Margaret. Good morning, sir. Good morning. हाँ मैं मिसेस शरद बोल रही हूँ मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आपके हस्बैंड डॉक्टर शरद का एक लेडी पेशेंट के साथ बहुत जोरों से रोमांस चल रहा है
आप कौन बोल रहे हैं? आपका एक शुभ चिंतक, अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो हॉस्पिटल का स्पेशल वार्ड नंबर 9 में आ जाइए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं इस खुशी के मौके पर तुम्हें एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। क्या? बोले कि अब मैं तुम्हें अस्पताल के वार्ड में नहीं, घर में देखना चाहता हूं। शरद जी, ये सब तुम्हारे सब्र का नतीजा है। जिस तरह से तुमने इतने दिनों तक हमारा साथ दिया, उसी से मुमकिन हो सका है कि हम अगले हफ्ते तुम्हारा ऑपरेशन कर सकेंगे। ऑपरेशन? हाँ, क्यों? तुम्हें इस बात की जरा भी खुशी नहीं? शरद जी, ऑपरेशन के बाद अगर मैं बच गई तो आप मुझसे शादी करेंगे? क्यों नहीं, जरूर करेंगे। दीपिका, इनके बीवी बच्चे तो मर गए हैं ना, इसलिए तुम घर नहीं आते, इसलिए तुम अस्पताल नहीं छोड़ना चाहते। अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने उससे शादी क्यों की? इतनी जल्दी तुम्हारा मन उठ गया मुझसे? इसकी वजह से तू मेरा घर उजाड़ना चाहती है, पराया सिंदूर लेकर अपनी मांग करना चाहती है? ऐसा कभी नहीं होगा दीपिका, मेरे मरते दम तक नहीं होगा। हो गया, चल छोड़ दो मुझे। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती दीपिका, तू मेरा घर उजाड़ना चाहती है, तू मेरा घर उजाड़ना चाहती है, तू मेरा घर उजाड़ना चाहती है। सिस्टर, तकदीर ने मुझसे मुंह फेर लिया, तो क्या तुम भी मुंह फेर लोगी? संध्या, संध्या, हमको माफ कर दो प्लीज, हमको माफ कर दो। हमने तुमको झूठ बोला, हमने तुमको झूठ बोला कि डॉक्टर शरद का शादी नहीं। सिस्टर, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, मैं ही झूठे सपने देखने लगी थी। चलो चलो, अच्छा ही हुआ, सनसनी को दिन के उजाले खा गए, संध्या को रात के अंधेरे निकल जाएंगे। नहीं संध्या, तुमको जीना पड़ेगा हमारे वास्ते, नहीं तो इस कुसूर का लिए हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। कैसा कुसूर सिस्टर, जिस तरह तुमने मेरी सेवा की है उसका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। तुमने तो मेरे लिए वो सोचा जो मेरी मां सोचती, संध्या मेरी बहन सोचती। हाँ संध्या, तुम हमारा बहन है, तुम हमारा बेटी है। और मैंने जो अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, क्या वो भी गलत है? हाँ गलत है दीपिका, क्योंकि तुमने समझने में गलती की है। मेरा उसका संबंध एक मरीज और डॉक्टर का है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? क्या ये खत तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया? तो फिर इसमें क्यों लिखा है? मेरी शरद, मेरा कहने का हक मुझे तुम्हारे प्यार भरे खत से मिला है, क्यों? देखो, ये जरूर कोई गलत नहीं, मैं सच कहता हूं। गॉड, मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैंने मार्गर से कहा भी था। देखो, ये कभी कभी जरा सा झूठ जो है। हेलो डॉक्टर साहब, संध्या का हालत अचानक बिगड़ गया है, उसका नर्व्स टूटता जा रहा है डॉक्टर। गॉड, बुटानो रेस्पिरेटर और एक 5 mg का एट्रोफिन का इंजेक्शन दे दो, हाँ मैं पहुंच रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल, सनसनी की हालत बहुत खराब है। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, आज तुम्हें दो में से एक को चुनना होगा, हॉस्पिटल या घर। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, अगर उसका इमीडिएटली ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगी। शरद, शरद,
आज अगर तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी शरद। देखो तुम अपने आप में नहीं, अपने आप को संभालो शरद, प्लीज शरद। साहब वो नर्स तो हमें संध्या से मिलने ही नहीं देती। जी हाँ। देखिए सनसनी की हालत बहुत खराब है, मुझे फौरन उसका ऑपरेशन करना है। आप लोग जल्दी जाकर कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिएगा। मगर डॉक्टर साहब इससे पहले उसके दस्तखत इन कागजातों पर बहुत जरूरी है जी। ये क्या है? ये वसीयत है जी। जी आप लोग इंसान हैं या आपको सनसनी की जिंदगी से ज्यादा उसकी दौलत की पड़ी? जाकर फॉर्म पर साइन कीजिए। हम साइन नहीं करेंगे और डॉक्टर आप भी हमारी मर्जी के बगैर ऑपरेशन नहीं कर सकते, समझे? और वैसे भी डॉक्टर साहब कानूनन ऑपरेशन से पहले किसी न किसी रिश्तेदार का होना बहुत जरूरी है जी। इस वक्त मेरे पेशेंट का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हाँ हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। नहीं होने देंगे। आपको जो कुछ करना है कीजिए, मैं ऑपरेशन करूंगा, समझे? सनसनी ये क्या कर रही हो? मानना मैं इतनी बेगैरत नहीं कि किसी का बस अब बसाया घर उजाड़ती। मैं बिल्कुल बेखबर थी, मुझे माफ कर देना। माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे। कसूर मेरा था। देखो तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये तो जाती हुई सांस से अलविदा कह रही है डॉक्टर। सनसनी तुमने उसे वादा किया था तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। अब नहीं, अब तो जीने की तपना। ऐसा नहीं, ले सारी अब प्लीज। मॉनिटर। ओह नो। आप ही डॉक्टर शरद हैं? जी हाँ। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। आप पर इल्जाम है कि आपने पेशेंट के रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद अपनी मर्जी से पेशेंट का ऑपरेशन किया जिससे उसकी मौत हो गई। सर, पुलिस डॉक्टर शरद को गिरफ्तार करके ले गया। क्या डॉक्टर शरद? जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, ना तो आप खुद कोई ऑपरेशन करेंगे, ना दूसरे डॉक्टर्स की किसी ऑपरेशन में मदद करेंगे। यह इस अदालत का हुक्म है।
सलाम साहब। सेठ जी आए क्या? नहीं, दीपिका मैम साहब ने गाड़ी मंगाई। पापा पापा, आपको मालूम है मैं और मम्मी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा मेरा बच्चा? हूँ नाना जी के पास। आप भी चलो ना पायल। चलो गाड़ी में बैठो। यस मम्मी, बाय पापा। दीपिका, ये क्या पागलपन है? अपना घर छोड़कर जा रही है? जिस घर में मेरी जरूरत नहीं, मेरी इज्जत नहीं, मैं वहां नहीं रह सकती। कौन कहता है तुम्हारी इस घर में इज्जत नहीं, इस घर में जरूरत नहीं? तुमने मेरी, मेरे प्यार की, मेरे अखबार की तौहीन की है। बाय बाय पापा, पेशेंट का बहुत ख्याल रखते हैं। पापा हमें भी अपना पेशेंट बना लीजिए। डाक, आपने चाय नहीं पी? ठंडी हो गई होगी। नहीं, गर्म है, मैं बना देता हूं। देखो जी, ये दीपिका मैम साहब का खाता है, सेठ जी घर जाके दिया। अच्छा जी, ओ गॉड, बहुत देर हो गई, मैं नहा लेता हूं। साहब चाय? दीपिका मैम साहब हैं। दीपिका मैम साहब अभी अभी खंडाल आ गई हैं। 4 तारीख की शाम को आएंगी। ये चिट्ठी उनको दे दोगे? जरूर देते। हेलो शरद, पायल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? कैसी है वो? शी सीरियस, हार्ट डैमेज हो गया है, पसलियां टूट कर दिल में घुस गई हैं। डॉक्टर साहब अभी पहुंच रहा हूं। शरद जी, पायल का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। देखो हमारे पास स्टॉक बहुत कम है, मैंने नानावटी ब्लड बैंक में पता लगाया है, उनके पास सिर्फ 2 बोतल हैं। तुम आते वक्त ले आना। यस सर। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए सर, मैं ब्लड लेकर अभी पहुंच रहा हूं। गाड़ी रोको। ज़ादे, तू हमेशा मेरे रास्ते में आता रहा, तेरी वजह से मुझे तड़ी पार किया गया। हाँ, तेरी वजह से मेरी संध्या की जान गई। तूने मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार साले को! मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, उसे खून चाहिए,
मुझे ऑपरेशन के लिए जाने दे। नहीं बिहारी, मुझे बोतल दे दे बिहारी, बोतल दे दे बिहारी। ऑपरेशन करना है इन हाथों से? इन हाथों से जिनसे मेरी संध्या की जान ली। अगर ये बॉटल्स चाहिए तो अपने हाथ आगे बढ़ाओ। अगर ये बॉटल्स चाहिए तो अपने हाथ आगे बढ़ाओ। बस बस बस, अब तो सुरेंद्र इसको बॉटल्स दे देनी चाहिए। ये ले ले ले। चाहिए ना? चल ले ले, ले। मारो साले को। पायल का एक्सीडेंट हो गया। हाँ मुझे मालूम, दीपिका ने मुझे फोन पर बताया था। शरद, पायल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब कैसे हुआ? इसके हाथों की ड्रेसिंग करवा, मैं बताता हूँ। चलो देखो शरद, पहले भी तुम एक बार अपने पेशेंट को बचाने की लगन में संध्या के लिए कानून तोड़ चुके हो, और इस ऑपरेशन में जो भी डॉक्टर तुम्हारा साथ देगा कानून उसको अपराधी समझेगा। मैं ऑपरेशन तो करूंगा, शरद तुम समझते क्यों नहीं? शरद डॉक्टर, बड़ा जिद्दी आदमी है। दरवाजा खोल दो। शरद तुम अकेले ये कैसे करोगे? मम्मी, मम्मी कि आपको पापा पे भरोसा नहीं है? मम्मी, मैं तो पापा की पेशेंट हमेशा ही बनना चाहती थी। दीपिका, दरवाजा खोल दो। Thank you.
भाईजान, नहीं भाईजान, अगर आपने मेरा ऑपरेशन में साथ दिया तो आप भी अदालत की तौहीन करेंगे। नहीं शरद, मुझे अदालत की तौहीन मंजूर है लेकिन डॉक्टरी पेशे की तौहीन मंजूर नहीं। पेशेंट की जान बचाने की कोशिश हम डॉक्टर्स का फर्ज ही नहीं, हमारा ईमान भी है। यू गो अहेड, मैं तुम्हारे साथ हूं। दीपिका जी, 7 साल पहले डॉक्टर शरद ने हैदराबाद में मेरी जान बचाई थी। काश मैं उसी वक्त मर गई होती। मौत ने मुझे फिर ढूंढ निकाला। जिंदगी मुझे बचाने के लिए दोबारा डॉक्टर शरद के पास ले आई। फरीबी जिंदगी ने किसी से कहलवा दिया कि डॉक्टर साहब की अभी तक शादी नहीं हुई। मेरे भरम को बढ़ावा देने डॉक्टर शरद का आपको भेजा हुआ प्रेम पत्र मेरे पास एक किताब में छिप कर चला आया। मेरे प्यार ने एक साजन, एक प्रीतम को कई बार पुकारा, मगर मेरे प्यार ने ये कभी नहीं चाहा कि किसी बहन का सुहाग सिंदूर चुराकर मेरी मांग भर दी जाए। अनजाने में जो दुख आपको मुझसे पहुंचा उसके लिए मुझे माफ कर दें। मुझे बचाने के लिए डॉक्टर शरद मेरा ऑपरेशन जरूर करेंगे, जिसकी इजाजत मेरे रिश्तेदार नहीं देंगे, और मैं बचूंगी नहीं। इसीलिए इस पत्र से मैं उन्हें ये अधिकार देती हूँ ताकि वो किसी कानूनी उलझन में न फंस जाए। आपका प्यार आपको हजार जान से मुबारक। डॉक्टर साहब की सनसनी, आपकी संध्या। डॉक्टर शरद, आपने अपनी सफाई के लिए कोई वकील मुकर्रर नहीं किया, इसलिए अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले एक बार आपको फिर बताना चाहती है कि प्रोसिक्यूशन ने आप पर 2 इल्जाम लगाए हैं। पहला जुर्म, बिना इजाजत ऑपरेशन करने की वजह से मिस संध्या उर्फ सनसनी की मौत, और दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जज साहब, अपने फैसला सुनाने से पहले एक बार एक खत पढ़ लीजिए जो संध्या ने अपने ऑपरेशन से पहले मुझे लिखा है। आपका यह खत पढ़ना बहुत जरूरी है जज साहब। खत ले लीजिए। यह खत सनसनी ने ही लिखा है। इसकी तस्दीक करने के बाद और खत के मजमून पर गौर करते हुए यह अदालत डॉक्टर शरद को संध्या उर्फ सनसनी का ऑपरेशन करने के जुर्म के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। लेकिन अदालत के मना करने के बावजूद डॉक्टर शरद ने ऑपरेशन करके अदालत की तौहीन की है। इसके लिए इंडियन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के मुताहित अदालत डॉक्टर शरद को 1 महीना कैद की सजा का हुक्म देती है, मगर यह ध्यान में रखते हुए कि यह डॉक्टर शरद का पहला जुर्म है और उन्होंने महज जज्बात के दबाव में आकर ऐसा जुर्म किया। अगर डॉक्टर शरद अदालत से माफी मांग लें, अगर ऑपरेशन करना जुर्म है तो मैं ये जुर्म करूंगा और बार बार करूंगा जज साहब, क्योंकि मैं एक सर्जन हूं। जब तक मेरे हाथ सलामत हैं, जब तक मेरी सोच मेरी समझ मेरा साथ देगी, मैं अपने हर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर इंसाफ ही करना है तो मुझे अकेले को सजा देकर क्या होगा। अगर सजा देनी है तो हर सर्जन के हाथ कटवा दीजिए जिनसे वो अपने पेशेंट को नई जिंदगी देता है। हर डॉक्टर की दिमाग की नसें सुन करवा दीजिए जिनसे वो नई नई बीमारियों के इलाज और नई नई दवाएं ईजाद करता है। बंद करवा दीजिए वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस, दबा दीजिए नौजवानों की उन तमाम उम्मीदों और ख्वाहिशों को जो इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं, और अगर अदालत के बस में है तो बंद कर दें लोगों की बीमारियां उनकी तकलीफों को, ताकि कभी किसी को किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। मगर कानून ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी और जिंदगी के सुख दुख कानून की देन नहीं, भगवान की देन है। जज साहब,
आप जज बनकर नहीं, बाप बनकर सोचिए, कल को आपके बच्चे को भी मुझ जैसे डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। अगर उस वक्त वो सर्जन ये कहे कि कानून ने उसे ऑपरेशन करने के लिए मना किया है, आपका बच्चा मरता है तो मर जाए, और आपका बच्चा मर जाता है जज साहब, तो तौहीन किसकी होगी? जरा अपने दिल से सोचिए कि तौहीन किसकी होगी, भगवान की दी हुई जिंदगी की या समाज के बनाए हुए कानून की, आदमी के जिंदा रहने के अधिकार की, या एक डॉक्टर को सुनाए जाने वाले फैसले की। बोलिए, तौहीन किसकी होगी, इंसानियत की या अदालत की? तौहीन किसकी होगी, इंसानियत की या अदालत की? तौहीन किसकी होगी, इंसानियत की या अदालत की? इबू, पायल को होश आ गया है, डॉक्टर रिजवी ने कहा है अब कोई खतरा नहीं है। सच? शरद, शरद पायल को होश आ गया। शरद, पायल ठीक हो गई? तुमने बचा लिया उसे। ऑर्डर, ऑर्डर, आप अदालत की कार्रवाई में रुकावट डाल रही हैं। बैठ जाइए। चलो आओ, चलो। क्योंकि मुलजिम ने अदालत से माफी मांगने से इनकार कर दिया है, इसलिए अदालत मुलजिम डॉक्टर शरद को 1 महीना कैद की सजा का हुक्म देती है। जज साहब, मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं कि सजा का हुक्म देने से पहले हमें 2 मिनट के लिए डॉक्टर शरद से बात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। शरद, ऐसा मत करो। शरद, अपने मरीजों का सोचो। तुम 1 महीना जेल चले गए तो उनका क्या होगा? तुम अपने लिए नहीं हो शरद, तुमसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत उन गरीब मरीजों को है। शरद, तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ना कभी अपनी बीवी के बारे में सोचा, ना कभी अपनी बेटी के बारे में। एक मरीज को बचाने के लिए तुम अपना घर बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए थे। हाँ, चुनी मरीजों के लिए क्या तुम माफी नहीं मांग सकते? वो पुण्य मत कमाओ शरद जो तुम इस 1 महीने में कमाओगे। कितने बीमार ठीक होंगे, कितनों के घर उजड़ने से बच जाएंगे, कितनों को जिंदगियां मिलेंगी, वो सोचो। शरद, शरद, मैं पहले तुमसे कभी ना कहती, लेकिन पायल के ऑपरेशन के बाद मुझे एहसास हो गया है कि डॉक्टर पे उसके परिवार से ज्यादा उसके मरीजों का हक है। ये हक बना रहने दो शरद, मेरे लिए, पायल के लिए, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। शरद, माफी मांग लो, प्लीज माफी मांग लो। जज साहब, मैं अदालत से माफी मांगता हूं। डॉक्टर शरद, जज साहब, माफी मांगकर तुमने न सिर्फ डॉक्टरी पेशे का सर ऊंचा किया है, बल्कि इंसानियत की शान भी बढ़ाई है, और एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हें बधाई देता हूं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मम्मी, हम कितने दिनों के लिए महाबलेश्वर जा रहे हैं? 15 दिन के लिए। पापा भी हमारे साथ 15 दिन रहेंगे? घर नजर नहीं लगाते, बोलो ना। आपको भी हमारी तरह यकीन नहीं आता? दीपिका, हो तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बस 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। अच्छा, के सामान डाले के चले, मैं फोन सुन के आता हूँ। हेलो जी, बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मैं तो 15 दिन की छुट्टी के लिए बाहर जा रहा हूँ, महाबलेश्वर। सॉरी सर, हाँ, पता नहीं था। नो प्रॉब्लम। लिसन, आपने फोन क्यों किया? कोई खास बात? नहीं, एक इमरजेंसी केस आया था। हाँ, तो कुछ सर्जन नहीं है हॉस्पिटल में? अगर नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, हम संभाल लेंगे। ओके। चाबी मुझे दीजिए, गाड़ी में चलाऊ। किस लिए? रास्ते में मंदिर होते हुए जाएंगे। आइए। यहाँ कहाँ ले आई तुम? तो मंदिर ले जाने वाली थी। हॉस्पिटल ही डॉक्टर का मंदिर होता है। मैंने फोन पर आपकी सारी बातें सुन ली। हमारी छुट्टियों से एक इंसान की जिंदगी ज्यादा कीमती है। मंदिर खुला है, पूजा कराओ, फिर चलते हैं। गुड लक पापा। थैंक यू बेटे।
बबई 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 बबई